ज़ीरोधा में किसी शेयर को या ऑप्शन को 100 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि वहां पर आपका प्रॉफिट बन जाए, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है विकास मीना। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं या कोई डेरिवेटिव खरीदते हैं 100 रुपए में फॉर एग्जांपल, तो उस पर क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं और उसके अलावा क्या क्या रेगुलेटरी चार्जेस लगते हैं, और अगर आप उस ट्रेड से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए में एटलीस्ट उस शेयर को या उस ऑप्शन को बेचना पड़ेगा ताकि आप वहां पर उस ट्रेड से प्रॉफिट अर्न कर पाएं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करेंगे जहां पर मैं आपको लाइव चल करके बताऊंगा कि क्या इनके ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं ज़ीरोधा में, इक्विटी डिलीवरी में, ऑप्शंस में, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर्स, ये सभी कैटेगरी के ब्रोकरेज चार्जेस डिस्कस करेंगे और प्रॉफिटेबल कैसे होना है आपको, ये मैं आपको सारा आज इसमें ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके बताने वाला हूं। तो चलते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जो है थोड़ा सा हायर क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो शायद आपके मोबाइल का डेटा की स्पीड अगर कम है तो आपको पूरी क्लियरली दिखाई न दे, इसलिए आपको टॉप पर सेटिंग्स का बटन दिखेगा, उसमें जाकर के आप हायर पिक्चर क्वालिटी पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि क्या लैपटॉप पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। चलते सीधे लैपटॉप पर, समझते हैं कि कैसे ज़ीरोधा में आपको प्रॉफिट करना है। तो गाइज ये हम आ गए हैं ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर, यहाँ आप खुद भी जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं ज़ीरोधा.com, ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाकर के खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसको कैसे यूज करना है ये समझ लीजिए और कैसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लेते हैं हम इक्विटी इंट्राडे की बात करते हैं, तो इक्विटी इंट्राडे में मान लेते हैं हम कोई शेयर ले रहे हैं जिसका प्राइस है 100 रुपये, आप उस शेयर को अगर 101 रुपये में बेच देते हैं और आप उसकी 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपका जो टर्नओवर है वो होता है 2010। टर्नओवर का मतलब है बाई साइड पे जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट हुआ वो हुआ 100 × 10 यानी कि 1000 रुपीज, और सेल साइड पे जो हुआ वो हुआ 1010 रुपये, तो इन दोनों को जोड़ देने पर 2010 रुपये ये टोटल टर्नओवर आता है। अब इस टर्नओवर पर जो है आपका ब्रोकरेज लगता है 0.03% या 20 रुपीज, जो भी लोअर होगा वो ज़ीरोधा में अप्लाई होता है। तो ब्रोकरेज जो बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 0.6 रुपीज। अब इसके अलावा यहाँ पर जो ये नीचे शो कर रखे हैं ये सारे रेगुलेटरी चार्जेज हैं, जैसे कि STT लगता है, एक्सचेंज फी लगती है, क्लियरिंग, इसके अलावा GST लगता है, सेबी चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी, ये सब जीरो यहाँ पर दिखा रखा है, और ये जहाँ पर जो है ये टोटल दिखा रखा है टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपके कितने लगने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज़ शो कर रखी है पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, आपको इसी पॉइंट को समझने की जरूरत है अगर आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हम इसको भी अभी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो 0.6 रुपीज़ बन रहा है, लेकिन आप जनरली आपने सुना होगा कि जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज़ लगता है, तो वो कैसे लगेगा। तो अब इस क्वांटिटी को हम 10 से बढ़ा करके 100 कर देते हैं, तो 100 करने पर जो आपका ब्रोकरेज बना वो 6 रुपये बना। अब मान लेते हैं इस क्वांटिटी को हम 1000 कर देते हैं, तो आपका जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपीज़ बनता है। अब यहाँ पर भी आप शायद कन्फ्यूज हो जाएंगे 40 रुपीज़ क्यों है, तो गाइस देखिए बाय साइड पर अलग से लगता है और सेल साइड पर अलग से ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं, तो दोनों का यहाँ पर जोड़ करके बता रखा है 20 + 20 = 40 रुपीज़। तो होता क्या है कि 0.03% से आपके ब्रोकरेज को कंपेयर किया जाता है। अगर आपका ब्रोकरेज 0.03% की रेट से जो बन रहा है वो 20 रुपीज़ से कम है तो जो एक्चुअल बनेगा वो लगेगा, और अगर 0.03% की रेट से जो ब्रोकरेज बन रहा है वो 20 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 20 रुपीज़ ही आपका ब्रोकरेज एक साइड का कैप हो जाएगा, उससे ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है। अपस्टॉक्स में भी यही होता है, अपस्टॉक्स में जो रेट है परसेंटेज की वो 0.05% है, एंजल वन में 0.25% है, बाकी 20 रुपीज़ में वहाँ पर भी कैपिंग होती है अपस्टॉक्स में भी और एंजल वन में भी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज़ीरोधा की। अब हमने ये तो इक्विटी इंट्राडे का समझ लिया, अब हम डिलीवरी की बात करते हैं। तो इक्विटी डिलीवरी में अगर आप आ जाए तो देखिए यहाँ पर 100 रुपये में मान लेते हैं कोई शेयर खरीदते हैं, इसको 110 रुपये में बेचते हैं, क्वांटिटी हम 10 ले रहे हैं, टर्नओवर आपका 2100 का हो गया, 1000 × 10 करेंगे 1000 रुपये और 110 × 10 करेंगे तो 1100 रुपये, ये तो 1100 + 1000 मिला करके 2100 रुपये हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रोकरेज आपका 0 लग रहा है, तो आपको पता होगा ज़ीरोधा में इक्विटी डिलीवरी फ्री होती है, इसलिए मैं आपको एडवाइस भी करता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, डिलीवरी में शेयर्स को खरीदना है, 1-2 दिन से ज़्यादा होल्ड करना है, तो उस केस में आपके लिए ज़ीरोधा और एंजल वन दोनों बेस्ट रहते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाकर के आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उस केस में मैं आपको अपस्टॉक्स रिकमेंड करता हूं, क्योंकि अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग रिलेटेड फीचर जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, अपस्टॉक्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्रोकरेज चार्जेस आपको डिलीवरी में जो है वो ज़ीरोधा और एंजल वन फ्री देते हैं। अब इसके अलावा STT यहाँ पर शो कर रखा है एक्सचेंज चार्जेस, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं चार्जेस क्या है तो ज़ीरोधा की वेबसाइट पर आकर आप देख सकते हैं, या मैंने भी इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बना रखा है वहां पर मैंने शो कर रखा है, मैं आपको
ब्रीफ कर देता हूं। देखिए इक्विटी में जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो इक्विटी डिलीवरी में जीरो लगते हैं। इक्विटी इंट्राडे 0.03% या 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो भी लो होगा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम यहां पर एफएनओ में लगता है। ऑप्शंस के केस में फ्लैट लगता है 20 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पर लॉट पे है या पर ऑर्डर पे है, तो ज़ेरोधा में, अपस्टॉक्स में, एंजल वन में, तीनों में ही आपको जो है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे करना है। लॉट पे आपको नंबर ऑफ लॉट से आपका ब्रोकरेज चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितने भी लॉट खरीदें। तो ये हो गया यहाँ पर एक ब्रीफ। इसके बाद एसटीटी जो है, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रखी है, सेबी फीस वगैरह। तो आप मेरा दूसरा वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ज़ेरोधा के कंप्लीट ब्रोकरेज चार्जेस के ब्रोकरेज मेन्यू कार्ड या कंप्लीट चार्जेस का मेन्यू कार्ड के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे की और इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस को समझ लिया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के चार्जेस हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। देखिए अगर आप आपके ब्रोकर से परेशान हो, आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए चीज़ लेकर आया हूँ, dmatdive.com। dmatdive.com क्या है? एक ब्लॉग वेबसाइट है जो हमने क्रिएट करी है, जहां पर हम आपकी डीमैट अकाउंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आर्टिकल्स के थ्रू आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको रीड करके आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आपके ब्रोकर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर डीमैट डायरेक्टरी का एक सेक्शन है। जब आप डीमैट डाइव पर जाते हैं तो डीमैट डायरेक्टरी का आपको सेक्शन मिल जाता है, जिसमें आप ये 50 से ज़्यादा इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनके वेबसाइट के लिंक, सारी चीज़ें आपको इस एक पेज पर मिल जाती हैं। तो आप ज़रूर चाहें तो डीमैट डाइव को विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर्स के चार्जेस के। तो ज़ेरोधा के जो फ्यूचर्स के चार्जेस हैं, वो मान लेते हैं कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आप 100 रुपये में खरीदते हैं, 110 में बेचते हैं, और क्वांटिटी यहाँ पर जो है वो 10 मान लेते हैं, तो 2100 रुपये का आपका टर्नओवर हो गया। ब्रोकरेज जो लग रहेगा वो 0.63 लगेगा, क्योंकि 0.03% से जो बन रहा है वो 20 रुपीज़ से कम है, इसलिए ब्रोकरेज 0.63 ही लगेगा। अब इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस के चार्जेस को। तो देखिए ऑप्शन में मैं आपको बता भी देता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई लॉट के हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम 10 क्वांटिटी हम ले रहे हैं किसी ऑप्शन की, और 100 रुपये का हमने बाइंग प्राइस लिया है, 105 रुपये पर हम उसे सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टर्नओवर हो गया 2050 हो गया। ब्रोकरेज 40 रुपीज़ दिखा रहा है। ब्रोकरेज 40 रुपीज़ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो परसेंट से तो यहाँ पर कुछ लगता ही नहीं है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपको फ्लैट 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ता है। तो क्वांटिटी को आप बढ़ा करके देख लीजिए, अगर आपको लॉट साइज का डाउट है ना, तो आप 100 रुपये करके देख लीजिए। देखिए ब्रोकरेज चार्जेस आपका चेंज नहीं हुआ है, ब्रोकरेज चार्जेस आपका चेंज नहीं हुआ, बाकी फीस हो सकती है आपकी जो है चेंज हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी चेंज हो रहा है, टोटल टैक्सेस एंड टोटल भी चेंज हो रहा है, एसटीटी चेंज हो रहा है क्योंकि। तो लेकिन आपका ब्रोकरेज जो है वो फ्लैट 20 पे रहता है ऑप्शंस के केस में। तो इस तरीके से आप ब्रोकरेज को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो पॉइंट समझना है, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट्स टू ब्रेक इवन। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर जो ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, ये आपको शो कर रखा है। देखिए 0.08 है इक्विटी इंट्राडे के केस में, इंट्राडे इक्विटी के केस में 0.08। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये में कोई शेयर खरीदते हैं और उससे 100 रुपये 8 पैसे में आप बेचते हैं, तो आप वहां पर ब्रेक इन इवन पे रहेंगे, यानी कि ना तो आपका प्रॉफिट बनेगा ना आपका लॉस बनेगा। लेकिन जैसे ही आप उसे 100 रुपये 9 पैसे में बेच देंगे, आप वहां पर प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कई लोग स्कैल्पिंग करते हैं, वो इस चीज़ का बहुत फायदा उठाते हैं, जल्दी जल्दी खरीदते हैं, जल्दी जल्दी बेचते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आपके चार्जेस को काटने के बाद, ये प्रॉफिट बता रहा हूँ मैं, जो भी जितने भी एक्स वाई जेड चार्जेस लगते हैं वो सारे काटने के बाद, अगर आप 100 रुपये 9 पैसे में बेचते हैं, क्वांटिटी आप कितनी भी खरीदिए, बस आपको 9 पैसे ही बढ़ाना है किसी भी शेयर का प्राइस। अगर आपका बढ़ जाता है तो आप प्रॉफिटेबल वहाँ पर होना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको केयरफुली। देखिए 100 रुपये में आप खरीदते हैं, मान लीजिए 101 रुपये में आपने बेचा है, क्वांटिटी हम कम कर लेते हैं, 10 ही क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 9 रुपये का प्रॉफिट आपको 101 रुपये पर बेचने से हो जाता है। लेकिन वहीं जो ब्रेक इवन है वो डिलीवरी के केस में 1.8 रुपये पे आता है, यानी कि यहां पर अगर आप डिलीवरी में खरीद कर बेचते हैं और प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको 100 रुपये का खरीदा हुआ शेयर 101.80 1.80 रुपया बढ़ने के बाद बेचना पड़ेगा। 101.80 रुपया होने पर बेचेंगे तब अपन को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट से ऊपर जब जाएंगे तो प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। इसी तरीके से फ्यूचर्स में भी जो ब्रेक इवन है वो कम है 0.08 पर, क्योंकि चार्जेस कम है ऑब्वियसली। ऑप्शंस में ब्रेक इवन सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां पर चार्जेस जो है वो सबसे ज्यादा लगते हैं। किसी भी ब्रोकर के पास आप चले जाएं, ऑप्शंस के चार्जेस आपको थोड़े से ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट चार्जेस जो है वो भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो आप बात करें अगर ऑप्शन के यहां पर ब्रेक इवन की, तो ब्रेक इवन आता है 4.94 रुपीज़ पे आन, यानी कि आप 100 रुपये में किसी ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपको 104.94 रुपये होने पर वहां पर ब्रेक इवन आता है। उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उसके बाद कितनी भी प्राइस पर बेचें वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा।
तो इस तरीके से गाइस आप खुद अपने ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके। ज़ीरोधा के क्या ब्रोकरेज चार्जेस है मैंने आपको ब्रीफ भी कर दिया है। अगर आप चार्जेस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने चार्जेस को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। यहां पर मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो ज़ीरोधा में अकाउंट बना चुके हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, तीनों ही बढ़िया है। तीनों में किसी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप डीमैट डाइव को भी विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।